हेलो गाइज, वेलकम टू ट्यूब मंत्रा। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। सो गाइज, आप अपने चैनल पर सब कुछ करके दिख चुके हैं, आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो के अंदर कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। और मैंने भी अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट के लिए ये गलती की है और मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आए हैं। तो आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि आखिर आप अपने चैनल पर कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। तो भाई, आप सब कुछ करके देख चुके हैं, आप वीडियो में अच्छा थंबनेल लगा चुके हैं, अच्छे से वीडियो का SEO कर लिए हैं, उसके बावजूद भी आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आए हैं। तो इस वीडियो को आप मिस मत करिए, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर आप अपने वीडियो में कौन सी गलती करते हैं। देखिए, आप कितना भी सही तरीके से काम करें, अगर आप अपने वीडियो में एक गलती कर देंगे ना, तो फिर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा, अच्छे खासे वीडियो पर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप वीडियो देखने में भूल जाएंगे। और आप इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में बेल आइकन प्रेस नोटिफिकेशन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप अपने चैनल का प्रमोशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एक प्रोमो कोड देखने को मिल जाएगा, आप उस प्रोमो कोड का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है ट्यूब मंत्रा। अगर आप विनर होंगे तो फिर आपके चैनल किसी वीडियो का लिंक अपने कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ले चलते हैं सीधे आपको मोबाइल स्क्रीन पर और सब चीज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो आप थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे बड़ी कमी आप लोग के अंदर होती है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, देखने के बाद आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपको अपने चैनल पर काम करना होगा। सो गाइस, आपको अभी मोबाइल स्क्रीन पर ले और यहां पर जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखने के बाद आप समझ पाएंगे आप अपने चैनल पर कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। तो आपको अपने चैनल के वाइट स्टूडियो के अंदर ले चलते हैं और यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है आपको दिखाने के लिए कि मैंने कौन सी गलती इस वीडियो के अंदर की है कि मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है, अपलोड किए हुए 1 day and 6 hours हो गए हैं और इस वीडियो की रैंकिंग 9/10 है और व्यूज है 227 और टोटल ग्राफ नीचे की ओर गिरा हुआ है। इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट 4.3%, उसका भी ग्राफ नीचे है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन, उसका भी ग्राफ नीचे है। और व्यूज ओवर में आपको ले चलते हैं और इसके बाद आप यहां पर और डिटेल में वीडियो को देख लीजिए। गो टू वीडियो एनालिटिक्स में ले चलते हैं और यहां पर आप इस वीडियो के जो है ये चीज़ भी देख लीजिए, टॉप ट्रैफिक सोर्स देख लीजिए। ब्राउज फीचर से 86 व्यूज आए हैं, नोटिफिकेशन से 74 व्यूज आए हैं और यूट्यूब सर्च से 29 व्यूज आए हैं। यहां पर जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप एक बार पूरा देख लीजिए, देखने में आप समझ पाएं कि आखिर नए चैनल पर व्यूज कैसे आते हैं और आप अपने वीडियो में कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। इस वीडियो को आपने देख लिया, अब आपको यहां पर इस वीडियो को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो पर 4 days के अंदर 2K व्यूज, ये शॉर्ट्स वीडियो है, इसको अभी छोड़ देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। और इस वीडियो पर 962 इस वीडियो पर 2.5K व्यूज, इस वीडियो पर 7.3K व्यूज, इस वीडियो पर 4.1K व्यूज, यानी अभी जो रिसेंट की वीडियो है ना, इस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो मैंने पहले बताया, इस वीडियो को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में मैंने क्या गलती की है जिसके कारण इस वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। और आपने देख भी लिया, इस वीडियो पर अगर आप यूट्यूब सर्च से व्यूज देखेंगे तो यूट्यूब सर्च से बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं YouTube सर्च से ग्राफ नीचे की ओर दिखा रहा है और बाकी सब आप वीडियो को देखेंगे, यहाँ पर इस वीडियो को भी दिखा देते हैं। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे या किसी भी वीडियो को देखेंगे तो मोस्टली व्यूज YouTube सर्च से ही आते हैं और जब आपके चैनल पर YouTube सर्च से व्यूज आना शुरू हो जाएगा ना, तो वहाँ से चैनल ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो अब आपको आते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या गलती की है और आप भी अपने चैनल पर वो गलती करते हैं जिसके कारण आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो का टाइटल देखिए, इस वीडियो का मैंने टाइटल दिया है YouTube वीडियो पर अर्निंग कैसे बढ़ाएं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा YouTube चैनल का RPM कैसे बढ़ाएं और YouTube अर्निंग कट। ठीक है, लास्ट में जगह बचा था तो मैंने यहाँ पर YouTube अर्निंग कट लगा दिया था। तो मेन इस वीडियो का टाइटल है YouTube वीडियो पर अर्निंग कैसे बढ़ाएं। चलिए इसको हम YouTube पर सर्च करते हैं, सर्च करके देखते हैं कि आखिर इस वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम सर्च करते हैं, YouTube वीडियो पर अर्निंग कैसे बढ़ाएं। देखिए, यहाँ पर मैंने टाइप किया YouTube वीडियो पर अर्निंग और अर्निंग टाइप करने के बाद सिर्फ यही कीवर्ड हमें दिखा है। अगर आप नॉर्मली कोई भी कीवर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं YouTube के अंदर तो बहुत सारे कीवर्ड सजेशन आ लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कीवर्ड सजेशन में नहीं आ रहा क्योंकि इस टॉपिक को लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई, आप ऐसे वीडियो क्रिएट करिएगा, ऐसे वीडियो का टाइटल दीजिएगा जिसको कोई भी सर्च नहीं करता है, तो फिर आपके वीडियो पर कभी भी व्यूज नहीं आएगा। और जब आप अपने चैनल पर वीडियो लाते हैं तो आप कुछ इस तरीके से ही वीडियो क्रिएट करते हैं, आप वीडियो का ऐसा टाइटल दे देते हैं या
ऐसे कीवर्ड पर आप वीडियो क्रिएट कर दें, उस कीवर्ड को यूट्यूब पर कोई सर्च ही नहीं करता है, और जब तक से कोई कीवर्ड को लोग सर्च नहीं करेगा तब तक आपके वीडियो पर व्यूज नहीं है, क्योंकि आप या हम एक नए क्रिएटर हैं और हमारे उतने सब्सक्राइबर नहीं, हमारा उतना पहुँच नहीं है कि हमारे वीडियो पर व्यूज आए। तो दोस्तों आप अपने वीडियो में गलती मत करिए जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया है। आप हमेशा अपने वीडियो का एक सर्चेबल टाइटल दीजिए, और सर्चेबल टाइटल देने के बाद इजिली आपके वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाएगा, और जब आपके वीडियो पर यूट्यूब सर्च से व्यूज आएगा तो आपके चैनल पर नए व्यूअर आएंगे, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो को मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था आपको दिखाने के लिए, तो अब आप समझ गए कि आप अपने वीडियो में कौन सी गलती करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा, और आपके चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नोटिफिकेशन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।